लगता ही नहीं अब्बा को हमसे बिछड़े इतने साल गुजर चुके हैं। सब कुछ कल की सी बात लगती है। अल्लाह इन्हें गरी करे। आमीन। हालात के भंवर में जिंदगी किसी आफत ज़दा जमीन की तरह होके रह गई थी। सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। बच्चों ने आके कभी इस बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए पता ही नहीं चला। बेशक इंसान अपनी टूटी फूटी ख्वाहिशात और अधूरे ख्वाबों को अपनी औलाद में पूरा करता है। अगर आज सालिया जिंदा होती गना बहन तो कितना खुश होती ना, अपनी औलाद को इस तरह से कामयाब होता देखकर। अल्लाह हमारी औलाद को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। वैसे खाला इस बार तो बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया आपने। आप तो जैसे हमें भूल ही गई। तो तुमने कौन सी खबर ले ली? अरे खाला बीमार हैं, बूढ़ी हैं, कभी उन्हीं की हालचाल पूछ लिया करो। ये गलती है मेरी, मैं मानता हूँ, लेकिन एहसन से आपके बारे में मैं पूछता रहा हूँ। बल्कि एक काम करेंगे ना, हम सब मिलकर किसी दिन आपके घर आएंगे। अरे भाई किले शिकवे तो होते रहेंगे, आप कुछ ले तो सही और हाँ खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, ऐसन भी घर पे नहीं था, घर बंद करके आई हूँ। अरे क्या हो गया खाला, इतने अरसे के बाद तो आई है। कुछ नहीं, आराम से बैठिए, खाना वाना खा कर जाइएगा। बेटा आज तो मैं तुम्हारे पास सवाल ही बनकर आई हूँ। अरे क्या खाला, क्यों शर्मिंदा कर, हुक्म करें, क्या काम? मैं अपने एहसन के लिए तुम्हारी गुड़िया का हाथ मांगने आई हूँ। खाला ये बात आपने सोची भी कैसे? ये मुमकिन नहीं है अब, और वैसे भी अभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ हैं, आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकते? बेटा मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम अभी शादी कर दो, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों की बात तय कर दें, जब दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो शादी भी कर देंगे। खाला इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा एमबीए कंप्लीट कर लेगा और इसकी अच्छी जॉब लग जाएगी? बुरा मत मानिएगा, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए तभी ये बातें अच्छी लगती हैं। और वैसे भी खाला अभी एहसन में मैच्योरिटी तो है ही नहीं, उसका हल्का बाप देखा आपने, पता नहीं किस किस तरह के दोस्त हैं उसके, कौन सी बुरी लात है जो उसे नहीं लगी। बस एहसन की बुराइयां गिनवाने की जरूरत नहीं, मैं मानती हूं कि एहसन में बहुत बुराइयां हैं लेकिन वक्त के साथ बदल जाएगा। बहरा तुम बेटी के बाप, तुमको पूरा इख्तियार है कि तुम बेटी की जिंदगी के बारे में सोच समझ कर फैसला करो। सॉरी खाला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुड़िया भी इस रिश्ते के लिए हानि करेगी। तो फिर बेटा मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं? हाँ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस अब आप इस बात को यहीं पे खत्म कीजिए। यहाँ बैठी हुई हो, इतना मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो? बाबा ने मना ही किया है ना, उन्होंने कौन सी हाँ बोली है, चिल करो। मुझे तो एहसन पर गुस्सा आ रहा है। उसने क्या सोचा था कि रिश्ता भेजेगा तो मैं शादी पर आमादा हो जाऊंगी? पता नहीं उसका मसला क्या है, और पता है हसान से झगड़ने के मौके ढूंढता है। पता नहीं एहसन के दिमाग में चल क्या रहा। गुड़िया इस बात का इतना बड़ा इशू मत बनाओ, इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, ये कोई अनोखी चीज नहीं हुई, बिरादरी से आते हैं रिश्ते, होता है, इट्स ओके। और हाँ अब तुमने ऐसे को ऐसे फील नहीं कराना चाहिए, तुम कुछ जानती हो, एक्ट करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटा? मैं तो पहले ही जानती थी कि वो इस रिश्ते से मना कर देंगे। तुम्हारी खुशी के लिए चली गई। इतना बुरा हूं मैं क्या? आपको पहले से इनकार की उम्मीद थी? नहीं बेटा, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात इंडिपेंडेंट होने की। तुम कामयाब हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुमको इंशाल्लाह गुड़िया से अच्छी लड़की मिलेगी। बस कर दें दादो, मामू ने कभी अपना समझा ही नहीं मुझे, वरना तो अपनों के भी छुप जाते हैं। अरे एहसन सुनो तो, एहसन जो होता है अच्छे के लिए होता है। या अल्लाह, अब समझेगा ये लड़का। एक डर तो मुझे भी है। कैसा डर? तुम्हें खो देने का डर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अम्मी को मेरे और तुम्हारे बारे में बताऊँ, उन्हें मेरे लिए तुम्हारा हाथ मानने के लिए भेजूँ। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो इस रिश्ते से मना कर देंगे। अच्छा बन के दिखाना है ना। तुम्हें पाने के लिए गुड़िया मैं कुछ भी कर सकता। कहते हैं ना, टू कैन प्ले द गेम। टू कैन प्ले। Thank you.
क्या हुआ है? वहाँ पूल के पास हमारे घर में कोई है। मैंने किसी खौफनाक से शक्ल किसी को देखा है वहाँ। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, और तुम आधी रात को बाहर क्या कर रही थी? बाबा वहाँ पूल के पास मैंने खुद देखा है किसी को, कोई भयानक सी शक्ल मैंने खुद देखा है बाबा। चलो आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं मैं बाबा वहाँ नहीं जाऊंगी बाबा। गुड़िया तुम्हें अपने बाप पर एतमाद है, संभालो खुद, कुछ नहीं है ऐसा। आओ मेरे साथ। मैं देखता हूं ना, मैं देखता हूं। आओ। क्या है? बाबा रुक जाए। कुछ भी नहीं है बेटा, क्या है? कुछ भी तो नहीं है बाबा, मैंने खुद यहाँ पे। मैं तुम्हारा क्यों डर रही हूँ? कुछ भी नहीं है, बस बस। नहीं बहादुर बेटी है मेरी, क्यों डर रही? आओ मैं तुम्हें रूम तक छोड़ जाता हूँ, कुछ भी नहीं है। आओ ये चेक करो। हाँ गुड़िया, ये क्या पढ़ रही हो? पहले कभी तुमने ऐसी किताबें तो नहीं पढ़ी? हसन तुम्हें जन्नात और मावराई मखलूकात पे यकीन है? What? ये कैसा सवाल है? हसन, तुम्हें इन बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे और गुड़िया को इन बातों पर यकीन है। हमने खैर मावराई मखलूकों को महसूस किया है। लेकिन मैं बचपन की बात नहीं कर रही हूँ सिद्रा, मैं अब की बात कर रही हूँ।
हेलो, क्या हो गया है तुम दोनों को? कैसी बातें कर रहे हो? हसन, मेरा यकीन करो, मुझे बहुत सारी अजीब आवाजें महसूस होती हैं अपने इर्द गिर्द। पता नहीं जैसे जैसे कोई हकीकत हो, लेकिन लेकिन वो ख्वाब हो, पता नहीं, जब जब सामने देखती हूँ तो वो गायब हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर तो ख्वाब में मैं भी आता हूँ भूत बनकर, है ना? तुम ना मेरी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो। पता है कल रात, गाइस, तुम लोग लाइब्रेरी में क्यों बैठे हो? मैं तो कैंटीन में ढूंढ रहा था तुम लोगों को। किताबों के साथ दिमाग खराब कर रहे हो अपने। बड़ाई कहाँ हो रही है भाई, यहाँ तो जिन और भूत की बातें हो रही हैं। अरे यार प्लीज, ये जिन और भूत की बातें मत किया करो, मुझे रात को नींद नहीं आती। सीरियसली, तुम भी इन बातों पे बिलीव करते हो? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या यार, मुझे तो ये भी बिलीव है कि अगर तुम इस बारे में ज्यादा बात करोगे ना, तो ये सुपरनैचुरल चीजें अपने होने का एहसास दिलाएंगी। सो प्लीज, मुझे लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चलो गाइस, हम कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, ताकि इन जिन और भूत की बातों से बाहर निकल सके। लेट्स गो। चल। थैंक गॉड ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा, मैं तो न जाने क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। इतना सीधा है तो नहीं कि बात को अंडरस्टैंड कर ले। शायद दादी ने समझाया हो। क्या हुआ? हेलो। हाँ हाँ। हसन की अम्मी का फोन आया था, मिलने आना चाह रही थी। रिफत खाला से बात करने के बाद अंदाजा हुआ कि पिंकी और गुड़िया शादी की उम्र को पहुंच गई, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं, और इस साल के एंड तक तो पिंकी का भी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आज सोचते हैं इस बारे में, किसी अच्छे घराने में दोनों की शादियां करूंगा मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि गुड़िया को ना नींद में चलने की आदत हो गई। कह रही थी कि उसे पूल में भी कुछ नजर आया और फिर लॉन में भी। वहम हुआ होगा गुड़िया को। आप परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगी उससे। मैं फिर निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सा चाहिए तुम्हें? ये वाला था ना बाबा के पास, ये बाबा वाला है। हाँ हाँ, लगाते हैं, मैं भी छुपके से लगाता हूँ कभी। कोई पसंद आ रहा है आपको? ये था मेरे पास, लेकिन अभी हम कुछ और जल्दी करो, फिर हमें शॉपिंग भी करनी है। पिंकी, क्या है ये लड़की, कहाँ रह जाती है बार बार? पिंकी 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 पिंकी, हमने परफ्यूम पसंद कर लिया, जल्दी से परफ्यूम सेलेक्ट कर लो। और कितनी शॉपिंग करनी है? माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मुझे अपने वकास के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी लारेब और वकास की। भाई हमें तो आपके घर की रौनक को बस अपने घर की रौनक बनाना है। बस कोशिश की है मैंने कि तालीम के साथ साथ बेटियों को घरदारी भी सिखाऊं। ये तो आपकी समझदारी है कि आपने बच्चियों को सब कुछ सिखाया हुआ है। बेटा मीठा लेके आओ ना।
अरे बहन, इतना तकल्लुफ किया आपने, मीठे की क्या जरूरत है? क्या बात कर दी आपने, खुशी का मौका और मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा राहिला बहन, हम एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए ना। दरअसल वकास मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है। उसके यहाँ औलाद नहीं है, उसकी बीवी बांझ है, इसलिए मैं उसकी दूसरी शादी करना चाह रही हूँ। नारे पापी, ऐसा हरगिज नहीं है कि हम यहाँ वकास की बीवी की मर्जी के बगैर आए हैं, और ये भी नहीं है कि हम उसके ऊपर जबरदस्ती सौकर मुसलत कर रहे हैं। आप लोग मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं इज्जत दे रही हूं, बेहतर यही होगा कि यहां से चले जाएं। वैसे भी मैं अपनी बेटी को किसी लड़की के सर पर मुसलत नहीं कर सकती। राहिला बहन, बात तो सुनो। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे गरिमा, जानो इस रिश्ते की, तुम्हारी चार बेटियों कौन लेगा बगैर जहेज के? मेरे बेटे के पास रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई लड़कियों की, और वो छुपके शादी नहीं कर रहा। रिश्ता लेकर आई हूँ मैं अपने बेटे का। इतने नखरे, कैसे भी आएंगे चार बेटियां? जिस रब ने नवाजा है ना, वो वसीला बना दे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, तशरीफ ले जा सकते हैं। अरे यहाँ इतनी बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आई हो मुझे? अब चलो घर देखो और नखरे देखो। राजा बहन, बस आइंदा मेरी बेटियों के लिए ऐसे बेहुदा रिश्ते लाने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहां से। क्या करेंगे अगर अभी हमने खाना नहीं भेजा तो? क्या हमारे पास रात के खाने के लिए पैसे नहीं होंगे? हमें आज के आम भूखे रहेंगे। अच्छा हसान, आरिब और विशाल कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है तीनों बिल्कुल ठीक है। आरिब लंदन में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, हसान का इस साल फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और विशाल के बारे में तो आप जानती हैं, एफएससी की पढ़ाई है। तीनों माशाल्लाह अपनी स्टडीज में बहुत बिजी हैं। माशाल्लाह तीनों बच्चे आपके बहुत लायक हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। आमीन। और हमारी गुड़िया पिंकी, शारिक, लाइबा, ये भी तो माशाल्लाह बहुत लायक है। अब तो बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारे बच्चों को अपने पांव पर जल्द खड़ा कर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्व कर दूं? नहीं नहीं, बाद में ले लेंगे। ठीक है। बहन, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। जी जी बोलिए। वो मैं हसान और गुड़िया के हवाले से बात करना चाह रही थी आपसे। उदास नहीं होते, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान के लिए दुनिया में इज्जत नफ्स से बढ़ के कुछ नहीं। तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी सर उठा के गुजारी, अपनी बेटियों की भी ऐसी तरबियत की है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अभी उम्मीद बाकी है, आने वाला कल आना बाकी है। मैं चाहूंगी कि आप पहले राशिद भाई से बात कर लें। आपका प्रपोजल सर आंखों पर,
यकीन जानिए राशिद भाई और मैं आपकी फैमिली को बहुत एडमायर करते हैं। गुड़िया भी अक्सर हसन का जिक्र करती है। मैं राशिद भाई के सामने आपका ये प्रपोजल रख दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बस बड़े मान से मैंने आपसे ये बात की। मुझे ये अंदाजा है कि हसन और गुड़िया एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाकी फैसला तो राशिद भाई का होगा। आप फिक्र ना करें, बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। बेशक, आमीन। आपसे चाय ले रहे हैं, अरे कुछ ले। तुम्हें डर लगे ना मुझे उठा देना। हाँ लेकिन फिर तुम ये नहीं कहोगी कि वो वहम है मेरा। तो सच कहूं तो मुझे पिछले कुछ दिनों से खुद इतना डर लग रहा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि मेरा वहम है, तो तुम ज्यादा सोचो मत इस बार। मैंने जो महसूस किया है वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गुड़ियों मैं तुमसे कह रही हूँ ना मत सोचो इस बारे में। अच्छा खैर मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसन के रिश्ते वाली बात हसन से तो नहीं की? नहीं। हाँ ठीक है, करना भी मत। पापा ने एक दफा वो बात खत्म कर दी, अब फायदा नहीं है बताने। अरे गरिमा जानो इस रिश्ते की, तुम्हारी चार बेटियों कौन लेगा बगैर जहेज के? मेरे बेटे के पास रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई लड़कियों की, और वो छुपके शादी नहीं कर रहा। रिश्ता लेकर आई हूं मैं अपने बेटे का। क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं? लारेब के लिए जो रिश्ता आया था ना उसके बारे में सोच रही हूं। कितनी आसानी से वो लोग लफ्जों के थप्पड़ मार के चले गए मेरे मुंह पे। हम एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल वकास मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी बांझ है, इसलिए मैं उसकी दूसरी शादी करना चाह रही हूँ। वैसे हद होती है अम्मी, ये खाला कुलसुम भी ना चंद सौ रुपए के लिए किसी की भी जिंदगी दांव पर लगा सकती है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है कुलसुम पर, इधर उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगी मैं। वैसे भी मेरी बेटियां बोझ थोड़ी है मेरे ऊपर। देखना अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा इंशाल्लाह। अम्मी आप जानती हैं हम बहनों की सबसे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ। आपने इतनी मेहनत से हमें परवान चढ़ा, हमारी इतनी अच्छी परवरिश, हमें पढ़ाया लिखाया,
अगर अल्लाह ताला यहाँ तक ले आए तो आगे भी सब बहुत अच्छा होगा। आमीन। जब मेरी इतनी बहादुर बेटियां मेरे पास हैं, तो मुझे दुनिया की परवाह तो नहीं करनी चाहिए ना। वाओ, फ्रूट चाट बन रही है। हाँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, फिर आप भाई। मैं, पता है हमारी अम्मी बड़ी अच्छी फ्रूट चाट बनाती थी। उसका जायका ही कुछ और होता था। मुझसे नहीं बनती उस तरह की फ्रूट चाट। वो जितनी भी मसरूफ होती थी, हम जो भी फरमाइश करते थे वो फरन बना देती थी। चाइनीज बड़े मजे का बनाती थी। आपको और गुड़िया आपी को अपनी अम्मी के साथ गुजारा हुआ वक्त तो याद है ना? मैंने तो अपनी अम्मी को देखा ही नहीं, बस एक तस्वीर देखी है उनकी। काश कुछ वक्त गुजार लिया तो उनके साथ, कुछ यादें ही होती मेरे पास उनकी। शारिक, पता है पैदा करने वाले से पालने वाले का दर्जा किसी भी तरह कम नहीं होता। खाना आंटी तो तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारा ख्याल रखा है। वो तुम्हारी अम्मी हैं और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम अकेले तो नहीं हो। या, राइट। तुम्हें क्या पता शारिक, हमारे लिए आंटी सुबह से मुंसलिक यादें कितनी अजियतनाक हैं। इतने लोगों को बर्बाद करके वो खुद भी आबाद ना हो सकें। गना आंटी तो बहुत चाहती हैं मुझे। अगर मुझे मालूम ही ना होता कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, तो ये एहसास महरूमी मुझ में आता कहाँ से? कुछ हकायक छुपाए नहीं जा सकते, इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हें बता दें। हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ छुपाएं तुमसे, तुम्हें कुछ ना बताएं। अच्छा, लेकिन तुम उदास मत हो, ठीक है? बहुत सैड माहौल बन गया है। मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें किसी भी चीज के बारे में बात करनी। ओके, डोंट बी सैड। और कुछ चाहिए पिंकी बाजी? नहीं, थैंक यू। वैसे कहाँ की तैयारी है? मेरी एक दोस्त की बर्थडे है, तो बस वहां जाना था। तो आप अकेली जा रही हैं क्या? हाँ। सुनो, मैं ठीक लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप तैयार हो जाएं, मैं जरा किचन में देख लेती हूँ। ठीक है जी। बहुत अच्छा है। पिंकी अभी तक तैयार नहीं हुई, उसे अपनी दोस्त के घर जाना था ना? जी, वो मैं कपड़े इस्त्री करके दे आई थी, तैयार हो रही हैं। लो, आ गई। Thank you.
पिंकी। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे राशिद भाई? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं गना बहन? अगर उसने लाल दुपट्टा और पांव में पाजे बांध ली तो क्या है, बच्चे हैं, फन कर रहे होंगे, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आप वहां मौजूद नहीं थे। पिंकी की हालत बहुत अजीब थी, वो मुझे, गुड़िया को, नूर को, किसी को भी नहीं पहचान रही थी। देखिए गना बहन, मैं नहीं चाहता कि डर मेरी बच्चियों के जहनों पर अपनी जगह बनाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने दहशतनाक माजी से मैंने जान छुड़वाई है। मैं नहीं चाहता कि ये डर और खौफ के साए उनके सरों पर मंडलाते रहें। मैं उनको पूरे एतमाद देखना चाहता हूं, और इसमें गना बहन मुझे आपकी मदद चाहिए। खामखा में परेशान मत हूं, कुछ नहीं है ऐसा। मुझे यकीन है कुछ नहीं है ऐसा। राशिद भाई, आप ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आपने उस वक्त पिंकी की हालत नहीं देखी। अल्लाह हम पर रहम करे। शफक 20। अम्मी, आपका फोन बज रहा है, खेलो इसके साथ। ये लो। किसका है? हेलो। अरे वालेकुम सलाम हाजरा, क्या हाल है भाई तुम्हारे? अरे अरे नहीं नहीं, सब खैरियत है। तुमने तो आना ही छोड़ दिया, मिले हुए अरसा हुआ मैं। अरे हाजरा कैसी बातें करती हो, पुराने मोहल्ले को भूल सकती हूँ मैं? और सच पूछो ना तो वहां गुजारा हुआ एक एक लम्हा आज भी याद आता है मुझे। अरे वाह, सलीम की नौकरी लग गई, वो भी बैंक में। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम। कैसी गैरों वाली बातें कर रही हो, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ जाओ, और बाकी बातें ना हम कल मिलके करेंगे। खुदा हाफिज। अम्मी किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं? अरे हाजरा खाला थी ना पुराने मोहल्ले में, उनके बेटे सलीम की नौकरी लग गई है बैंक में, बड़ी अच्छी पोस्ट पे, कल आ रही है मिलने हमसे। अच्छा माशाल्लाह। वैसे अम्मी पुराने मोहल्ले से ना हमें सिर्फ हाजरा खाला ने याद रखा है, बाकी सारे तो हमें भूल ही गए। बेटा हम भी कौन सा जाते हैं किसी से मिलने, और सच्ची बात तो ये है कि सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। और बात सुनो, तुमसे नहीं होगा ये, लाओ आज भी तुम्हारी माँ जवान है। ये देखो।
जहां भी जाएंगे मेरी मोहब्बत आपको वापस खींच लाएगी। आना तो आपको यही है मेरे पास। बाल जल गए थे, मेरे काट दिए, पूरे बालों में आग लग गई थी, काट दिए, अब नहीं जलेंगे बाल, काट दिए बाल। कैसे भूल जाऊं मैं वो सब सालियां, जो जो जिंदगी की कड़ियां वक्त से टूटने लगती गुजरा हुआ माजी आंखों के सामने फिर से ताजा हो जाता है। माजी के गमों के अश्क आंखों में जम जाते हैं और जब ये आंखें उनका बोझ उठाने के काबिल नहीं रहती तो बरस पड़ती हैं। तुम्हारी सरगोशी मेरे कमरे की तन्हाइयों में गूंजती है सौलिया।